मैं क्या अपना दो पराठे और पका ले। लेके आ रही हूँ। किसी तंदूर वाले की बेटी से शादी नहीं थी कि आपने चौर साहब? मैं तो इस वास्ते कह रहा था कि थोड़े ना हो जाए। क्यों, 12 पराठे बनाए थे आप लोगों ने, पराठे खाने के चोरी करने? तो गुस्सा क्यों कर रही है, है? पता चले ना, गुस्सा इसलिए कर रही हूँ कि खनसामा नहीं है। 2 घंटे खड़ा होना पड़े ना, मेरा मुंह तवे जैसा हो गया खड़े हो के किचन में। किसी डिजाइनर से शादी की आपने, किसी बशीरे बावर्ची से नहीं की? ओए ऐसा बोल, क्यों ऐसा बोलूं, इनको भी तो पता चले मेरा कितना जोर लगा हुआ। हेलो, तुझे उर्दू में सलाम करते हुए दंदल पड़ती है? क्या हो गया? ओए सेलाबी रेला गुजर रहा है। अच्छा छाड़, तू ये बता, नबील और डॉली को फोन किया तूने? जी मेरी उनसे बात हुई, वो लोग दुबई पहुंच गए हैं। अस्सलामुअलैकुम। आ गया है देसी मुर्गा ते वलैती बांगा। मामा जी तान क्या है? कुछ नहीं बेटा, जब तू ऐश्वर्या राय को भी इधर किचन में आधा दिन खड़ा रखे ना, तो उधर विचों में फिर आरफ लोहार ही निकल आता थोड़ी देर बाद। बैठ पुत्र, पराठा खा, तेरी मामी ने अपने हाथ से बनाया है आलू वाला पराठा। नो मामू, आई कांट हैव इट, मैं तो ऑलिवर किनल जिम जाना है ना। या या, तू केड़े कम्मा च पै गया है? मम्मी जी क्या हो गया, बॉबी ने उनसे बोला कि मुझे जिम लेके चलो, मैंने कहा ठीक है। की फायदा, फर्क तो कोई पड़ना नहीं। मामी जी 2 हफ्ते जिम गया था, राइट चीक बोन बाहर है। बेटा चीका तो नजर आ रही है ने, बोन दा कोई पता नहीं। ओके, मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। क्या हो गया है? तू सब मेनू आज़र दिखा रहे, अपने नाल नहीं लेके गए हो? आई एम सॉरी। ओए होए, मेरे तो ज़हन चो निकल गया सी, मेरी तो याददाश्त ही कहीं जा पड़ी है। पता है चोई साहब भी कभी घर में फिर रहे होते हैं ना, तो मैं कहती हूँ भाईजान किथे आए हो, किनू मिलना है? फिर मुझे नकाना मत खाते तो मुझे याद आता है। एनी गिफ्ट्स लाई सी आज़र दी फैमिली वास्ते में? मामा जी थोका तेरा सोट क्वाइट करना या तेरे फेस से स्ट्राइक करा। स्टॉप इट सन, गेट आउट, आउट। खाना हाय। वो बनास्पति वाले के कॉन्सेप्ट का क्या बना? तुम कहाँ लॉस्ट हो? कुछ नहीं, क्या कह रहे थे तुम? मैं ये कह रहा था कि वो बनास्पति वाले के कॉन्सेप्ट का क्या बना? वो मैं अभी तक सोच नहीं पाई, शाम तक आई विल हैव इट रेडी। Is everything okay? No. तुम ठीक हो? हाँ। झूठ बोल रही हो? हाँ। Sorry. चाहो तो बता सकती हो, तुम्हारे CEO होने से पहले तुम्हारा दोस्त था। It's just that के आज़र के job issues चल रहे हैं and he's really getting annoyed now. और ऊपर से तुम रोजाना सुबह यहाँ पर आ जाती हो, तो role reversal से उसको काफी problem हो रही होगी, I'm sure. ऐसा नहीं है कि ही इज़ जेलस और एनीथिंग, इज़ जस्ट आई थिंक कॉलेज के बाद पहली दफ़ा वो इतनी देर के लिए घर बैठा है, तो यू नो उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, ही इज़ जस्ट इट्स रियली गेटिंग टू हिम नाउ। सो वो कहीं अप्लाई क्यों नहीं करता? किया है बहुत दफ़ा, बट इट्स जस्ट बैड लक आई सपोज। चलो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए ASAP। या श्योर। By the way, I completely forgot. हमारी कंपनी में एक जॉब ओपनिंग है फॉर मार्केटिंग पर्सन, वुड आज़र बी इंटरेस्टेड? लेकिन एक बात मैं पहले ही बता दूं, पोस्ट इतनी कोई सीनियर नहीं है। I don't think that should be a problem because he just wants to get busy now, ना? Then perfect. आज़र को मुझे अपनी CV फॉरवर्ड कर दे। यूसुफ, एक बहुत बड़ा फेवर, can I ask you for it? मैं तुम्हें कंपनी का CEO नहीं बनाऊंगा। नो, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि विल इट बी पॉसिबल कि अगर तुम आज़र से खुद पूछ लेते? आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी,
मैं उसे कॉन्टेक्ट कर लूंगा. थैंक यू. बनास्पति घी चाहिए मुझे. आज़ा जी, I was thinking, तू हुन भी ना मिलने आंदा ना मेनू, ते मैं तेरे नाल कभी भी गल नहीं करनी सी. I'm so sorry फूफो. दरअसल प्रॉब्लम पता क्या है, नायल के साथ बहुत बिजी हो जाता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता. फिर तेरी फूफी बड़ा गिला कर रही थी. तुझे देखकर मुझे अहमद पाईजन याद आ गए थे. प्रदा पाईजन देखो, बिल्कुल अहमद पाईजन द फेस है. अच्छा, ओए वाकई यार हैं, वही चेहरा वही आंखें नया नक्श हैं. नाले चिट्टा उच्चा लम्मा गोरा. अहमद पाईजन ऐसा कर छेड़ के हौसला कर मेरी बहन, हौसला. तुझे पता नहीं जब तक ये दोनों बहन भाई किसी मरे हुए रिश्तेदार को याद करके पिटना ना डालने, इनका खाना नहीं हजम होता. तो छड़ जा पी. इनकी हालत तो देखिए, तो सीरियस हालत हो गई. ओ बेटा पुत्र, तू क्यों घबरा रहा है? ये तो परसों अपने परदादे को याद करके रो रहे थे, जो 1902 में अपने छत पे से मुर्गी पकड़ते हुए गिर के मार गया था. शर्मिंदा होना बनता था, रोना नहीं. Thank you. जी आप रखें. All right. I feel so light. दिल हल्का हो गया. चल चल तू अपनी चाह ता सड़ूक ले. इन्हें दे पीछे लग गए थे, चाय रह जानी तेरी ठंडी. ओए पुत्र, तू अपना नायल को साथ ही ले आता. जी अना, मैं तो अपनी ग्रैंडचाइल्ड को देखा भी नहीं है. लेके आऊंगा मैं, जरूर लेके आऊंगा. बल्कि मुझे याद आया, नानो ने आप सबको इनवाइट किया, वो रबिया आंटी की सालगिरह है ना, सबको. ऑलराइट राइट. ओए अच्छा हो गया ना, उधर ही तेरी सबसे मुलाकात हो जाएगी. हैव सम जॉली बीज. एवें तू कहीं फॉर्मेलिटी में तो नहीं कह रहा, सच्ची मुच्ची उन्होंने बुलाया था? एवें तो नहीं कर रहा कहीं? सच्ची मुच्ची बुलाया है. और तू किस चीज के इशारे कर रही है? इशारे तो नहीं कर रही, गर्दन में जरा बंद कर के, बंदे का तो कड़ोल भी ना निकालूं मैं अपनी गर्दन में से. चल चल छेती हूं. अच्छा विकी कहां है? विकी विकी गया होना किसे मार दे उते. विकी बैठ दा घर, उते पैर चक्कर है, पीऊ अंगर. चाय दूं आपको? तू पी ले, मैं बाद में पी लूंगी. अच्छा रबिया जी, फिर क्या उनके घर जाना फिर हमने? हेलो हेलो, कहाँ हो? जिम में. जिम में? खैरियत तो है, तुम जिम में क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, वेरी फनी. नहीं सीरियसली, सुबह सुबह कुछ गिर गया था क्या सर पे? या लेला अभी प्लीज नहीं करो यार, पहले ही मैं 1.5 घंटे से जिम में बैठा हुआ हूँ. क्या हुआ? क्योंकि मैं अपने कजिन को लेके आया हूँ इसलिए. ओ वो बॉबी जी? हाँ. चलो इसी बहाने तुम जिम तो पहुंचे. खैर मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, इसलिए फौरन ले लो. अभी तो मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं कब फारिग होऊंगा. विकी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी है. तो सुन रहा हूँ ना, तुम बोलो तो. नहीं 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 नहीं, फोन पे नहीं, फेस टू फेस. तो फिर एक काम करो, घर जाके स्काइप करना, cuz I have no idea कि मैं यहाँ से कब निकलूंगा भाई. कौन से जिम में हो तुम? शेप्स. चलो ठीक है, वहीं रुको, मैं भी आ रही हूँ. बाय. यस लेट अस. सेलिब्रेट करने की क्या जरूरत है भाई, तुम्हारी बर्थडे है तो सेलिब्रेट कर रहे हैं अब इस उम्र में. ओ प्लीज, अब हम इतने भी एजेड नहीं हुए. एग्जैक्टली माय पॉइंट. हाँ लेकिन मेरे पे काम का इतना बर्डन है, तो ये सब कुछ अरेंज कौन करेगा? फिर यकीनन आपने वो फैसलाबाद वाली बरादरी को भी जरूर बुलाना होगा. उसकी तुम फिक्र ना करो, तुम बस अपने ऑर्डर्स की तरफ ध्यान दो, प्रेपरेशंस हम देख लेंगे ना खाला. और वैसे भी लंदन जाने से पहले मैं चाह रही थी कि एक गेट टुगेदर हो जाए छोटा सा. क्या मतलब, वीजा लग गया आपका? हाँ हाँ, वीजा भी लग गया और टिकट भी आ गया. और आप मुझे अब बता रही? तुमसे तो आजकल जो कोई भी बात करो ना, तुम तो ऐसे हड़बड़ा के रिएक्ट करती हो कि बताने का कोई फायदा नहीं. खुदा का वास्ते, पहले मुझ पे काम का इतना बोझ है, आप लंदन चले, मैं घर के. I can't take this tension. देखो अभी से जरा. वैसे खाला ये टिकट वाली बात तो आपने मुझे भी नहीं बताई. भाई लंदन का टिकट लिया है, कोई लॉटरी का टिकट तो है नहीं कि मैं सबको दिखाती फिरूं. वो मैं तो ऐसे ही कह रही थी खाला. केक का ऑर्डर दे दिया ना? जी. माजी पेन केक बनवाना. ये सही है, फेवरेट है इसका हमेशा. हाँ तो किसको ऑर्डर दिया? फराज भाई को कह दिया था. और फराज है कहाँ खुद? वो
एनएक्स ही दिखा रहे हैं, वो मिकाल आया है ना उसको। अच्छा आ जाओ मिकाल, ये है तुम्हारा कमरा, ठीक है ना? जी जी अंकल, इट्स मोर देन एनफ, थैंक यू। देखो अगर किसी चीज की जरूरत हो तो शाहब से कह देना, और वैसे तुम्हारे पास मेरा और अली का नंबर तो है ना? ओह एक सेकंड, एक्सक्यूज मी। हाँ क्या हुआ फिर? अच्छा अच्छा वैसे आपका कमरा किधर है? क्यों? वैसे ही पूछ रहा हूँ, फॉर ज्योग्राफी सेक। वो सामने। ओहो तो ज्यादा दूर नहीं है, अगर खिड़की पे पत्थर मारूंगा तो पहुंच जाएगा। आप इस तरह की चीप हरकतें भी करते हैं? नहीं नहीं मैं नहीं करता, लेकिन होने का मार्जिन मौजूद है। कोई काम ही पड़ सकता है। हाँ वैसे सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ मेरी मामा भी रहती हैं, अगर वो बाहर निकल आएं तो आपका काम तमाम हो सकता है। वैसे आप हमेशा इतनी नाराज रहती हैं या मुझे देख के कुछ कुछ होता है? और आपको ये क्यों लगता है कि आपकी इन चीप टैक्टिक्स से हर लड़की इंप्रेस हो जाएगी? क्योंकि मोस्टली होती हैं। ओह आई एम नॉट लाइक मोस्ट गर्ल्स। ओह रियली? तो आप कैसे इंप्रेस होती हैं? हाँ भाई क्या बातें हो रही? नहीं नहीं अंकल, मैं वैसे ही यानी को कह रहा था कि मुझे हर रोज सीन की रिहर्सल करनी चाहिए। वाह ये होता है एक्टर, फैंटास्टिक। अंकल प्रैक्टिस करने से तो काम बेहतर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंकल इसीलिए तो मैं एनी को कन्विंस कर रहा था कि अगर रोज वो मेरे साथ स्क्रिप्ट रीडिंग कर दे तो क्या? हाँ ना, अगर कोई मुझे दूसरों की लाइंस दे दे तो मैं अपनी लाइंस पे ज्यादा फोकस कर सकूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, यानी तुम सारी रिहर्सल करवा दो। लेकिन अंकल। हाँ हाँ देखो ना भाई, तुम दोनों को एक ही जगह होने का कोई ना कोई फायदा तो होना चाहिए ना। वेरी गुड बेटा, तुम्हारी डेडिकेशन देख के मुझे अपनी जवानी याद आ गई, मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। तो इसी तरह आप भी रिहर्सल के मौके ढूंढते थे? बेटा हर वक्त, देखो जब तक रिहर्सल नहीं होगी तो ओके टेक कैसे मिलेगी? हाँ ओके अब सुनो, लेकिन फ्रीक आउट ना करना। मुझसे ज्यादा तुम फ्रीक आउट हो रही हो। हाँ वो एक्चुअली अदील ने मुझे प्रपोज कर दिया। क्या? हाँ मैं गई थी ना उसे उसके घर पे डिनर के लिए, वापसी में ही जस्ट प्रपोज टू मी। विकी एनी रिएक्शंस? ओह वाव या दैट्स ग्रेट। आई नो दैट्स ग्रेट, लेकिन सब कुछ इतना सडनली हुआ कि मैं खुद पक में चली गई थी। तो तुमने क्या जवाब दिया? कहीं खुशी के मारे गाड़ी से कूद तो नहीं गई? पागल हो गया क्या, उसे शो थोड़ी ना करना था। यार राइट, दिल में लड्डू फूट रहे हैं और उसके सामने फुल कूल एक्ट कर रही हो। हेलो हेलो हेलो, तो मेरे दोस्त हैं आदिल के? I'm just kidding. वैसे लैला, आई थिंक तुमको उसको जल्द से जल्द जवाब दे देना चाहिए, क्योंकि देखो अगर तुम उसको जवाब नहीं दोगी तो उससे कन्फ्यूजन पैदा होते हैं। तो अच्छी बात है ना यार, उसे थोड़े दिन कन्फ्यूजन में ही रहना चाहिए, उसे भी पता चलना चाहिए कि मैंने बहुत सोचने के बाद उसे चूज किया है। क्या हुआ? देखते हो यार इतनी देर लगा रहा है, लेट्स जस्ट गो एंड सी व्हाट इज अप टू। ओके पता नहीं क्या कर रहा है इतना देर से। लेट्स गो। ये 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 वी हैव टू गो। हाय बॉबी, तुम्हारा कजन? माय कजन बॉबी। हाय यार ट्रेनिंग खत्म हो गई? या मैन 400 crunches, 30 minutes on treadmill, tricep, bicep, checker, plus a full pump mango, yeah. Lela, Bobby, Bobby, meri dost. Dost as in PUBG Ali? Dost hai, yaar. She's pretty, isn't it? Ji, excuse me, phone. Hello? Hey. Lela. Majnu. What? आज तो पहले किसने लाइन तेरी मारी होगी? कभी नहीं। सिंगल जी? मैं सिंगल हूँ, जो को प्रोग्राम बने दस ना मैंनो। वैसे मैं बर्मिंगम में चुपड़ा हिट था। ओह रियली? होल्ड ऑन। ओह साइन सीडी, स्पेशली फॉर यू। देसी चीका फ्रॉम बर्मिंगम। वाव। ट्रैक 11. You'll love it.
Samosa. ये क्या नाम हुआ? It's wicked. Samosa. 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 Aloo samosa. Samosa keema samosa. Samosa aloo samosa. Samosa keema samosa. जो खाओ एक बार तेल लगेगा जिवे होवे तेल दबोसा चू 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 समोसा आलू समोसा कम ऑन नो समोसा इतने समोसा रेज योर हैंड नो नॉट यू नॉट यू व्हाट्स अप लेट्स गो प्लीज या या लेट्स गो लेट्स गो या 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 माय बैग ब्रो गेट योर बैग मैन यू नो आई गॉट अ फीलिंग व्हाट मैं समोसा चंगा लग गया आज तो नायल बहुत जल्दी सो गया लगता है खेलता रहा है हाँ तुम फरी खाला से मिलने गए थे हाँ पूछ रही थी तुम्हारा वो कल आएंगी ना यहाँ पर मामा की बर्थडे है हाँ तुम्हारे ऑफिस से फोन आया था अच्छा हाँ वो कहीं मार्केटिंग की जॉब खाली है उसके लिए पूछ रहे थे मुझसे तुम तो ऐसे एक्ट करी जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं मैंने तो ऐसे कुछ भी नहीं कहा यूसुफ से बात की थी तुमने कोई I swear, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा है आज़र उसने मुझसे पूछा था if you'd be interested, और मैंने उसे बता दिया कि खुद पूछ लो Are you sure? हाँ और अब प्लीज इस बात को अब नेगेटिवली मत लेना उन्होंने अपनी जरूरत की वजह से तुम्हें कॉन्टेक्ट किया है मेरी जरूरत की वजह से नहीं Are you okay? Yeah. Job है कैसी पता नहीं ऑफिस तो बहुत अच्छा है और मैं भी वहां पे होती हूँ ये तो पता है मुझे मुझे तुम्हें मामा का गिफ्ट खाना है क्या बात है भाई बड़े गिफ्ट पैक हो रहे हैं जो सब आपके साथ रह के तो मैंने सो आप कमा ही लिया अल्लाह के हाँ थोड़ी दुनियादारी भी निभाने देना एक मिनट किसको जा रहे हैं इतने सारे पैक रबिया जी की सालगिरह है ना कोई एक ही सालगिरह पे पिछले 10 सालों के तोहफे दे देने नहीं नहीं चॉइस साहब उनका तो सिर्फ एक है ये वाला तो बाकी दो ये आरफा और एनी के लिए और ताकि सबको तेरे ऊपर शक हो जाए आए चॉइस साहब मैं यही तो चाहती हूँ कि किसी को मेरे पे भी शक हो बात आगे बढ़ानी है तो उनसे सीधी तरह बात कर चॉइस साहब डोंट पुट योर लेग्स इन फीमेल मैटर्स हैं आपको वैसे अंग्रेजी नहीं आती तो बता देती हूँ औरतों के मामले में दखल देने की ज्यादा जरूरत नहीं है दो मिनट लगते हैं रिश्ता मांगने में लेकिन इंप्रेशन भी तो कोई चीज होती है इंसान के लिए कि उनको भी तो पता चले कोई रज्जे पुज्जे लोग है कोई मजाक नहीं है अस्सलाम वालेकुम पाजन ब्रदर वालेकुम सलाम बड़े गिफ्ट पैक हो रहे हैं वो अपना रबिया जी की सालगिरह है ना तो मैंने कहा चलो फिर ओ तो मैं भी कर लेता है तू क्या दे रही है सरप्राइज ओए डिनर सेट होना पुराना सेल याफ्ता जय ओ चाडू उसको ये बता तेरे मोबाइल की सिम काम करनी शुरू हो गई जी ब्रदर पाजन ब्रदर पायजन मैंने तेरे नाल गाल करनी है आ बोल ना नॉट हियर सीक्रेट है वो सिर्फ सहमाई तो है ना अच्छा अच्छा चलो तुसी दोनों बहन भाई अंदर जाके अपने आपस की बात करें मैं भी जरा इधर रैपिंग शैपिंग कर लूं हां ओके फंस लेट्स गो थैंक्स योर्स ओबीडिएंटली रोल नंबर 43 अठवीं फेल ना होवे ते पड हो जाई नानी आप फिल्म देखेगा जरूर प्लीज ना भाई नहीं मैंने नहीं देखनी मुझे तो आजकल की फिल्मों की समझ ही नहीं आती ना कोई स्टोरी होती है और ना कोई सेंस बिल्कुल सही कह रही है खाला आजकल की फिल्मों में या तो नॉन स्टॉप वायलेंस होता है या फिर एंड में कोई चीप सी लव स्टोरी मामा अब ऐसी भी कोई बात नहीं है भाई मुझे तो आजकल के हीरोज की भी समझ में नहीं आती बात बात पर अपनी कमीज उतार देते हाय हीरोज होते थे हमारे जमाने में वैसे नानी मैंने आपके जमाने की भी सारी फिल्में देखी हुई हैं इतनी बोरिंग होती थी अरे नानी यही तो मसला है इन लोगों का अब इन लोगों को क्या पता कि असल में हीरोज कौन हुआ करते थे हीरोज तो थे दर्पण संतोष कुमार और वहीद मुराद ओह आई लव वहीद मुराद है ना मुझे भी बहुत पसंद वो अरमान फिल्म के गाने नायला की कहानी और आईना का रोमांस वाओ पर मुझे ये बताओ कि तुम्हें इतनी पुरानी फिल्मों का कैसे मालूम है नानी मैं हीरो चाहे आज का हूँ
लेकिन अपने सुपरस्टार्स के बारे में बहुत कुछ पता है मुझे। आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड। देखा एनी? देख रही हूँ। नहीं नहीं आंटी, एनी तो खुद बाहर से पढ़ के आई है, मुझे इससे गाइडेंस लेनी चाहिए। हाउ स्वीट। वैसे नानी, आप पे ये कलर बहुत सूट कर रहा है। रियली? अरे थैंक यू। कितना डाउन टू अर्थ है ना ये। हाँ आई नो, इतनी जल्दी हम में घुल मिल गया। बिल्कुल स्टार्स वाला एटीट्यूड नहीं है इसमें, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आ गए आप इतनी देर? वो पार्टी मीटिंग में थोड़ी देर हो गई थी। बस अब तैयार हो जाए फिर। हो जाता हूँ, तू तैयार हो गई है? वो रात को आप दोनों बहन भाई छुप छुप के ऐसी कौन सी बात कर रहे थे जो मेरे सामने नहीं हो सकती थी? तेरे बताने वाली बात नहीं थी। मुझे भी तो जरा सीक्रेट पता चले ना। और तेरे काम की बात नहीं थी। क्यों, आप दोनों बहन भाई अपने बचपन के गुड्डे गुड़ियों के नाम याद कर रहे थे? चल इस तरह ही समझ ले। जोसेफ कभी मेरे से भी प्यार से बात कर लिया करें, मैं आपकी सुतेली बीवी तो नहीं हूँ ना। सुतेली बीवी नहीं। अच्छा ये बताएं कि वो फरी ने जिदाद की बात की थी कि नहीं थी की? और नहीं थी की, नहीं थी की। आपको ये तो पता है ना अच्छी तरह कि फैसलाबाद वाला घर और नेर वाली जमीन मेरे नाम है। हाँ पता है। और वैसे भी वो गांव में जो शेयर है, फैक्ट्री में शेयर है और जमीने उधर गांव की बागों की, वो सारी आपने विक्की को देने का वादा किया ना। और चल यही समझ ले। वो जो हमारा निस्तर पार्क वाला घर और सैटेलाइट टाउन वाली जमीने, वो सब तो आपने मेरे बच्चों को देनी है, उनका हक है। और छह जोड़े रह गए पीछे, वो भी अपने नाम करा ले। मैंने क्या करने आपके पाँच पाँच साल पुराने जोड़े, रहने दे, एक ही धुलाई में उन्होंने चिर्र करके फट जाना है। एक चीज का तो मुझे पूरा पूरा अंदाजा है, मरने के बाद मैंने सीधा जन्नत में जाना है, पता तुझे? क्यों, तो फरिश्तों को हिसाब किताब कौन देगा? और 30 साल से इस फरिश्ते को हिसाब किताब ही दे रहा हूँ, और क्या है? हिसाब कौन देगा? ना करे कुछ ऐसा मेहनत जी गल्ला, मिस ने जय ना होन दे। और उसको प्रेजेंटेशन को बहुत स्मूथ जाना चाहिए, मतलब बीच में ज़्यादा रुकना नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजेज नहीं लेने, बहुत ज़्यादा ठहरना नहीं है। आप बात मेरी समझ रहे हैं ना कादर साहब? जी मैडम। देखिए मैंने बड़ी मेहनत से ये प्रेजेंटेशन फाइनल की है, मुझे पूरा यकीन है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए मैडम। जी नहीं शुक्रिया, पहले जब मैं बेफिक्र हुई तो तबाह ही कर दिया, क्या हाल किया उस फैक्ट्री का। चले लिखे, आप लिखे। जी कॉफी लाओ, कॉफी लाओ। पॉइंट लिख लिया आप? जी जी मैडम बेफिक्र हो जाए। अच्छा चले। कादर साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर मैडम ने मुझे यहाँ काम से बुलाया था। यार रबिया आज तो छोड़ दो। नहीं मैं कैसे बस कर सकती हूँ, स्टार टेक्सटाइल वालों के साथ बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है और मैं स्टूपिड बर्थडे की वजह से घर से नहीं निकल सक रही। यार ये संभाल लेंगे ना, आप संभाल लेंगे ना? सर कोशिश करना मेरा काम है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट देना ना देना ये तो सर उनके हाथ में है। देखा देखा इनको। कादिर साहब आप तो जाए प्लीज। हाँ जाए, और सारी बात जो मैंने समझाई है उसको ठीक तरह से करना। जी मैडम। और हाँ हाँ बात सुने, मुझे मिनट मिनट की आपने रिपोर्ट देनी है। जी, ठीक है, जा क्यों नहीं रहे आप, देर कर रहे हैं, जल्दी जाइए वहां पे लेट। और हाँ वो पेज 3 वाला प्रिंट हाईलाइट चला गया है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है फराज। यार टेंशन छोड़ो, तुम जाके तैयार हो। अच्छा और सुनो इसको कहाँ लेके जा रहे? मैं से ही। अरे छोड़ो ना, सुन कमाल है ये भी। रामलाल बेहोश ना हो जमी, अगर ये बेहोश हो जाए माइंड ना करना, वैसे ये आम पीपल जो है ना सेलिब्रिटीज को देख के को बेहोश बेहोश हो ही जाते हैं। फराज साहब मेरी छोटी बहन है जी फरी। फरहत जरा महसूस नहीं होनी आपको वैसे? बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। तुसी कसम ले लो मैं तुम्हारी बहुत बिग फैन हूं। शुक्रिया शुक्रिया, आइए ना प्लीज। चलो चलो आइए आइए, आ जाओ। अस्सलाम बेटा, हाउ आर यू? ये 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 प्रसाद ने फरीद का पुत्र है, ये अपना बबरक। बबरक नहीं मामू, बॉबी। बॉबी ओह बॉबी, एंड नाइस टू मीट यू। आई हर्ड सो मच अबाउट यू, तुम सब बिल्कुल फिल्म स्टार लगते हो। अब बिल्कुल वन सेक विकी पिक्चर ना ट्रैक इट राइट। अब यार जा फिर कभी बात नहीं। चाचा इट्स ओके, इट्स फाइन फाइन। आओ आओ
Yeah. This dude has worked with Shah Rukh Khan and Akshay Kumar. Blood. उसने तुम्हें प्रपोज कर दिया और तुमने उसका जवाब भी नहीं दिया। यार ये तुम सारे इतना शॉक क्यों हो रहे हो? विकी ने भी यही बात की थी। तो हम सारों का एक ही रिएक्शन है, इसके पीछे कोई तो वजह होगी ना मैडम। लेकिन मेरा तो सिर्फ एक ही ख्याल है कि इतनी जल्दी एक्सेप्ट करने से मुफ्त में इंपॉर्टेंस कम हो जाती है यार। टंबो, ये सब शादी से पहले की बातें होती है, शादी के बाद इट्स ऑल द सेम, ट्रस्ट मी। एक्सक्यूज मी, कम ऑन सेला, मैं उसे सही पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह रियली? अच्छा अब चलो यहाँ से फरी पापा वगैरह पहुँच जाएंगे, चलो लेट्स मूव। That reminds me कि ये बॉबी डी तुम्हारा भी कजिन है। हाँ क्यों? यार कल जिम में उस इंसान ने मुझे एक पूरा रैप गाना सुनाया, समोसा। समोसा he is like that। नहीं कर रहा हूँ जी, मैं अपनी भी फिल्म मैंने शुरू की है ना यार। अस्सलाम वालेकुम रबिया जी, क्या हाल है? मैं कहा बड़ी बड़ी खुशी हुई है आपके पैदा होने की, मुबारक हो। फरी आजर की सास है रबिया जी। ओ जी, आओ मेरी बहन है। अच्छा अच्छा, वालेकुम सलाम। आओ जी। इसकी क्या जरूरत थी? ले ले ले, कोई गल नहीं, होलसेल है तो लूट के लिए आई है। ये मेरा भी जूतियों वाला डब्बा ले ले। अच्छा शुक्रिया शुक्रिया। आप बैठो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी टी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी टी, क्या हाल है? क्या हाल? बड़ा मुबारक हो आपके घर लड़की हुई है आज के दिन, है बड़ी मुबारक हो। हाँ और रबिया जी के पैदा होने की, तुसी बड़ी अम्मी हो। हो गया हो गया जी, आपको करना पड़ेगा वरना ये पकड़ ही लेगी। क्या मैं दिन जब पत्थर रुको। क्यूट, बहुत प्रिटी फैमिली है तुम्हारी। थैंक यू। शुक्रिया। हाय हाय मां सत्य जय, मेरा काका आ गया। ओह माय गॉड, ड्रीम गर्ल ऑल स्वीट। मेरा अनल हमारा बच्चा पिस्का है। ओह ही सो क्यूट। इतनी शक्ल थे बिल्कुल अहमद फाइजन। हाय हाय, हमने कुछ कहा है क्या? नहीं, हौसला कर। गला छोड़ के चले गए हो? नहीं आए अहमद भाई। नहीं प्लीज, देखें आप हौसला करें, अब अल्लाह की जो मर्जी है उसके आगे बस तो नहीं करें। ये अटक मैटक है, खुद ही बंद हो जाएगी। आप इतने कपड़े फाउंडेशन, हौसला। बैठे 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 बैठ जाए, बात सुनो मेरी, बैठे बैठ जाए। Oh, the baby was a coffee cute, eh? Yeah, I know. Juice? Sweet girl being sweet, in eh? Ji? Aao, Mikal. Vicky, ye Mikal hai. Tera isko company do, main zara apne logon pe ja raha hoon. Hey, hey, Mikal. How are you? Good, good. Leila? मैंने आपकी पहली फिल्म 8 दफा देखी है। Really? Yeah, as in, you know, good looking actor. मतलब इतना अच्छा एक्टर पाकिस्तान में इतने अरसे बाद आया है। Oh, thank you. Mikal, my cousin Bobby, Birmingham से आया। Bobby. Oh, oh, hey Bobby. तू सबको celebrity हो? Kind of. अरे ये पाकिस्तान के बहुत अच्छे स्टार हैं। Oh, मैं भी Birmingham में स्टार हूँ। I'm a rapper. आपको पता है इनका एक गाना समोसा, उसकी YouTube पे 2200 हिट्स है। वाओ, इंटरेस्टेड हो रही है लड़की। ओह माय गॉड, यू आर सो चीप। शर्मा भी गई। आरफा जी, वो हम तो बड़ी देर की आए बैठे थे। अच्छा। आपने तैयार होके आने में जरा टाइम लगा दिया। सॉरी, मुझे जरा ज्यादा ही देर लग गई तैयार होने में। नहीं नहीं, आप जैसी प्रीटी लेडी को बार बार तैयार होने की कहाँ जरूरत। थैंक यू सो मच। चॉइस साहब एक मिनट, कितने बोर बोर फिर दे पाए, इधर आओ ना। ये मेरे चॉइस साहब है। अच्छा अच्छा अच्छा, चोरी के पर्सनल स्टेट बैंक है, जब चाहो जितनी मर्जी रख में निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो है रबिया जी की कजन। अच्छा जी, वो है कनाडा वाली। अच्छा अच्छा जी जी, एक्सक्यूज मी, मैं जरा अभी आई। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। एनी की मां है, समझ क्यों नहीं रहे थे? तो सीधी तरह बताना। तो उसके मुंह के बारे में बता दूं आपको? ये तेरे वाले तुझसे बोंगे दे बोंगे रह जाना। एक मिनट, आ रही हूं मैं।
आज तो कोई बहुत अच्छा लग रहा है। कौन नानी? वेरी फनी। चलो एटलीस्ट मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर तो है। मैं सीरियस हूँ, ये कलर आप पे बहुत सूट कर रहा है। व्हाटएवर। लाइन पसंद नहीं आई या लाइन मारने वाला? दोनों। तनु को जिम शिम जाना चाहिदा, यू गॉट टू मेक सम बॉडी। बना लूंगा यार। तो कह रहे हैं कदू डॉग जाना कदू है। ऑर्डर ना। ओह। द कबाब्स आर रियली गुड, थॉट इट हैड अ बोट टेस्ट। मैं सिर्फ सर्व कर रही हूँ, बनाए मैंने नहीं है। मैं भी कमा पैक करके आया हूँ। अच्छा वो लैला एक बात करनी थी, इधर आओ। क्या प्लीज मुझे इससे बचा लो खुदा के वास्ते। तुम्हारे ही कजन है। आई नो, लेकिन अगर तुम उसको थोड़ी देर कंपनी दे दोगी कुछ हो नहीं जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा यार। तुम्हें मैं पागल लगती हूँ? वो न जाने क्या सोचेगा। क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी तुम्हारी तो किसी और के साथ शादी हो रही है। कुछ नहीं बॉबी, वो लैला तुमसे कुछ बात करना चाहती है। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाँ हाँ करो करो, मैं आ रहा हूँ। जोड़ा चला गया उन्हें पुल जाओ, जोड़ा नाल खलोता उन्हें मुंह लाओ। जी गेट डन जो। एक्सक्यूज मी, व्हाट, कैसे हुआ? अच्छा, ओ गॉड। चलो कोई बात नहीं। क्या हुआ? वो हाँ, वो मैंने आतिफ असलम और राहत फतेह अली खान को बुलाया। क्यों? तुम्हारी बर्थडे है, तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा। Really, boss? Yes. तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं, लता मंगेशकर को तो नहीं बुला लिया? लता मंगेशकर वो उसका भी बंदोबस्त कर लेते हैं। फरास या एक सेकंड अभी देखो। हेलो, सो इरिटेटिंग। चारो जावेद यार, लता जी का नंबर होगा? नहीं, वो मेरी आज वाइफ की बर्थडे है ना, तो ओके शाहरुख, वो बस कर दो फराज। ओके बाय शाहरुख, बाय। हाँ क्या कह रहे थे? वैसे बात ये है कि कल्ले कल्ले मौजें हो रही हैं वलायत की हवाएं खाने के लिए हैं। वो बस जी इस वैसे एक बात है, इस तरह के दबंगस प्लान जो है ना, उनमें या तो बंदे ने किसी पे छापा मारना होता है या फिर उस पे छापा पड़ जाता है। क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं, वो अपना एनी जी। आंटी कुछ चाहिए? नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। चल साहब, मैं क्या, ये वो है एनी। अस्सलाम वालेकुम जी, तेरा पता है। एनी ये विक्की के अब्बू हैं, वैसे फिक्र ना कर, विक्की की शक्ल इनके ऊपर नहीं गई, बड़ा प्यारा है ना। आप भी ना, बस एक्सक्यूज मी। अच्छा अच्छा बेटा जी, विक्की से मिली थी जी, प्यारा है ना। हाथ वाला रख। चल सब, आप मुझे जरा थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए एक्सक्यूज मी करेंगे? मैं आता हूँ जी। हाँ, कितनी को प्यारी लग रही है तू, है माशाल्लाह। होता ला। थैंक यू आंटी। आंटी नहीं, मम्मी को ना जी। विक्की व्यूरे आवे, देख तो एनी आई हुई है। किधर फिर रहा तू, बातचीत कर कोई है। चलो तुम दोनों आपस में बात करो, मैं अभी आती हूँ, मुझे भी एक्सक्यूज मी कर दो जरा। हूँ गल करनी नवी फूटे मुँह नाल। हाय हाय। सो नथिंग मच। सो विक्की, कहाँ गायब हैं आप? आई मीन उस दिन मूवी नाइट के बाद हमें बॉन्ड करने का मौका ही नहीं मिला। रियली? क्या आपको याद है, आपने मुझे कहा था आप मुझे कराची घुमाएंगे। अच्छा, ऑफ कोर्स। बाय द वे आई हैव टू से यू आर लुकिंग रियली गुड टुनाइट। थैंक यू, यू टू। कॉम्प्लीमेंट मुझे दे रहे हैं और ब्लश खुद कर रहे हैं। नहीं, इट्स ओके, वी आर नॉट ऑन अ डेट। आई नो दैट। वैसे अगर होते तो क्या यही होता? जी नथिंग, आई एम जस्ट किडिंग, रिलैक्स। Do you want to go eat something? Oh yeah, sure. Here you go. Thank you. वैसे ये वो देखो क्या, विक्की और एनी। हाँ तो काफी पैल्स बन गए। Wait a second. तुम जेलस हो रही हो? एक्सक्यूज मी, मैं जेलस क्यों होंगी? नहीं तो मैं भी सोच रही हूँ। आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन
तुम्हारी कजन काफी फास्ट है। पार्टी में जो सबसे ज्यादा गुड लुकिंग लड़का उसे दिख रहा है ना, उससे गप्पे मार रही है वो। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि विकी इस वक्त यहाँ सबसे ज्यादा गुड लुकिंग लड़का है? डू रियली? इट्स ऑब्वियस। जी आई। रियली? वो तो मेरी भी फेवरेट मूवी है यार। सीरियसली? या हमारी लाइक्स कितनी कॉमन है। इट्स ऑसम। या इसीलिए तुम मुझे वहां बॉबी के साथ छोड़ के आए थे क्या? वो चौधरी अंकल तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ आता हूँ मैं अभी। मेरी एक बार बात सुन सकते हो तुम? लेना मैंने बोल दिया ना मैं आ रहा हूँ यार, क्या हो गया? कि मैं बोर हो रही हूँ। तो आदर्श चला से बात कर लो ना जाके। वो दोनों भी बिजी हैं। तो फिर अदील को कॉल कर लो एक काम का, उससे बातें कर लो जाके। सो एनी सॉरी एनी। सो और व्हाट्स अप? नथिंग मच। और कौन सी मूवीज अच्छी लगती हैं? रियल स्टील। हेलो। हाँ दीर, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। क्या? क्या? आई एग्री। प्लीज कंटिन्यू। वाओ दैट वाज क्विक। मैं 15 मिनट में पहुंच रही हूँ ना, तो मैंने 15 मिनट के लिए रोक लो। भाई उनसे कहो कि मैं आके खुद प्रेजेंटेशन करती हूँ। ओके ओके। क्या हुआ फराज? वो मैं जा रही हूँ, कादर साहब ने सब गूफ अप कर दिया है, बेहोश हो गए। बेहोश हो गए? हाँ प्रेजेंटेशन देते थे बेहोश पूरे पूरे। कोई भला आधा भी बेहोश होता है फराज, खुदा का वास्ता ये पकड़ो। क्या? सुनो। हाँ खुदा का वास्ता प्लीज। हाँ। अंदर सब कुछ संभाल लेना। क्या कर रही हो? हेलो ठीक लग रही हो? मैं कैसे संभालू? आई लव यू। नहीं नहीं सुनो। हेलो आप? पानी ला। आई एम सॉरी मैडम। देखिए रास्ते में बहुत ट्रैफिक थी, लेकिन उसके बावजूद मैं बहुत जल्दी जल्दी पहुंची हूँ। आप प्लीज मुझे 2 मिनट उनसे बात कर लेने दें। मैडम हमारे शिगरी साहब का घर जाने का टाइम हो गया। मैं अपोलोजाइज कर लूंगी, आप सिर्फ उनको इत्तला दे दें, उन्हें बताएं कि मैं खुद प्रेजेंटेशन देने के लिए आई हूँ। क्या बात है अली? सर इमरान। रबिया तुम? इमरान शिगरी तुम? आई डोंट बिलीव दिस।